हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिलौटी पे खट्टी मीठी चटनी, जो आम खट्टी हो और जो हल्का हल्का पका हो, उसकी चटनी मैं बनाऊंगी। ये बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप रोटी पे खाएं चाहे चावल दाल पे खाएं, बहुत अच्छा लगता है। खट्टा मीठा चटपटा सा स्वाद देता है। तो इसमें हमको चाहिए 2 लाल मिर्च, मतलब जितना आपको तीखा चाहिए, क्योंकि मीठा रहेगा खट्टा भी रहेगा, और तीखा आप जो कर खाते हैं तो तीखा में अपना जितना मिर्चाई लेना हो उतना आप लीजिए। मेरे यहाँ बच्चे हैं इसलिए मैं 2 मिर्चाई ली हूँ। यहाँ पर एक छोटा वाला प्याज लिए हैं, एक छोटा वाला प्याज ले लीजिए। और ये हम हो गया, और ये धनी, ये पुदीने की पत्ती, पुदीने की पत्ती इसलिए हम लिए कि अगर तो इसको रात भर इसको पानी में डाल दीजिए, क्योंकि आम बहुत गर्म होता है, तो उसको रात भर पानी में डाल दीजिए और सुबह में छिलके पीसिए, क्योंकि इससे गर्मी उसका हट जाता है। और पुदीना डालिएगा तो और ठंडा करेगा, इसलिए मैंने ये पुदीना भी ले लिया है, प्याज मिर्चाई, और इसमें नमक भी मैं डालूँगी। ये चटनी फ्रेंड्स मैं मिक्सी में नहीं पीस रही इस चलते, क्योंकि इसका एकदम में ही हो जाता है। इसमें नमक डाले पहले ही, क्योंकि इससे अच्छा स्वाद आता है। जितना आपको नमक स्वाद अनुसार डाल लें। और ये आम की चटनी बहुत टेस्टी लगता है, खट्टी मीठी चटपटी से जैसा स्वाद लगेगा। पुदीना का पत्ता अगर हो तो ज़रूर आप लोग डालें, क्योंकि आम का आम बहुत गर्म होता है, पुदीना ठंडा होता है। तो चलिए हम पीस के आप लोग को दिखलाते हैं। पहले इसको हम फूट लेंगे, बुलाते हैं किसी को कैमरा पकड़ने के लिए तो आप लोग को दिखलाएंगे। सबको पहले हम पीस लेंगे। और ये मिर्च को ज्यादा में ही ना करें, दिखता है जो चिली फ्लेक्स होता है ना, उस तरह से रखें मोटा मोटा। देखिए आम की चटनी बन के तैयार, में सरसों का तेल जाएगा कच्चा वाला। नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था, अब इसको मिला लें। ये चटनी खट्टी मीठी तीखी चटपटी सब लगेगी, इसको रोटी चावल कुछ में भी आप खा सकते हैं। अगर आपके पास सरसों तेल नहीं है तो कोई भी तेल डाल सकते हैं, रिफाइंड छोड़कर कोई भी तेल, मतलब खाने वाला। ये देख लीजिए चटनी, इसमें ये जो है लाल मिर्च, कभी मैं ही चटनी मत पीसिए, मिक्सी में जाता है ना तो मैं ही हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मोटी है, मोटी वाली चटनी स्वाद देता है। ये लीजिए आम की चटनी, चटपटी चटनी बन के तैयार है।
आप लोग खा लीजिए। ये रोटी चावल, चावल दाल पर भी अच्छा लगेगा, रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी खूब चाव से खाएंगे इसको, क्योंकि खट्टा भी है, मीठा भी है और चटपटा भी है। तीखा उतना ज़्यादा मत कीजिए अगर बच्चे खाने वाले हों तो। तो आपको मेरे वीडियो ज़रा सा भी, थोड़ी सा भी अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए।